आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत बांसवाड़ा नगर पंचायत समिति घंटियाली जिला जोधपुर। नव निर्वाचित सरपंच मांगीलाल सारण ने आरपीडी न्यूज को बताया कि ग्राम पंचायत को एक नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाकर सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं का बिना किसी भ्रष्टाचार व भेदभाव के पंचायत वासियों को लाभ दिलवाऊंगा। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र खिच्ची के साथ खास मुलाकात में श्री सारण जी के पंचायत में विकास कार्य के प्रति विचारों को। मैं राजेंद्र खिची आरपीडी न्यूज से। आज हम पहुंचे पंचायत समिति घंटाली की ग्राम पंचायत नवगठित ग्राम पंचायत बांसवाड़ा नगर के सरपंच मांगीलाल जी सारण से करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, किन एजेंडे और मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में चुनाव लड़ा है और आपने जीता है? बिल्कुल सर, देखो जनता का आशीर्वाद मिला है तो मुझे ये मौका मिला है, इस मौके पर खड़े उतरने की कोशिश करूंगा। तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत बांसवाड़ा नगर में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर नव पंचायत है, वैसे बियासर की पंचायत से अलग हुआ है तो स्कूल की स्थिति बढ़िया है, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि इसको आगे और बढ़ाऊं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे लेके जाऊं मैं। बालिका शिक्षा पे विशेष? बिल्कुल, बालिका शिक्षा पे विशेष ध्यान रखूंगा और स्कूल का जो भी बैकग्राउंड वैसे भी अच्छा है और मतलब 12वीं या जो भी होगी मेरी कोशिश वो शिक्षा का स्तर है ऊपर उठाने का, ऊपर उठाने का कोशिश रहेगा मेरा। जी सरपंच साहब, बात करते हैं अपने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कई परिवार वंचित रह जाते हैं जिसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, तो उन पर विशेष पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं इस पर विशेष फोकस रखूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोग कई बार बिचौलियों की वजह से या कुछ और की वजह से वंचित रह जाती है। मेरा यही टारगेट है कि मैं सीधा जुड़ाव रखूँ जनता के बीच में, ये थर्ड पार्टी मुझे इनको रखता हूँ मैं, मतलब जो भी आदमी है मैं सीधा जुड़ाव करूँ और सीधे जुड़ करके उसका काम कराऊँ या आवास योजना से लाभान्वित करूँ। बात करते हैं सरपंच साहब, बांसवाड़ा नगर में अपने पेयजल और बिजली की कैसी व्यवस्था है, पेयजल बिजली का स्तर कैसा है? देखो नव पंचायत है वैसे स्तर ठीक है, जो भी कमियां है उसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक एक ढाणी ढाणी गांव गांव जाके मैं सीधा जुड़ाव करके उनकी समस्या सुनाई करूंगा। तो बात करते हैं सरपंच साहब अपने नशे प्रवृत्ति की, आजकल की युवा पीढ़ी है जो क्या नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रही है, तो ग्राम पंचायत बांसवाड़ा नगर पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नशे के प्रति इतना मतलब है, कोई नशा मेरे युवा करता है तो मैं उसे वहाँ भी टोकता हूँ और उससे घृणा भी करता हूँ मैं कि भैया ये काम अपन नहीं करना, बाकी कुछ भी कर लो लेकिन नशे के प्रति हमें जाना भी नहीं है। मैं हो सकता तो मेरे देखो ज़्यादा राजनीतिक हूँ लेकिन इसमें नशा के प्रति मैं एक अलग ही कैंप जैसा भी होगा गवर्नमेंट से फायदा भी के उनको इस चीज़ में दूर करने की कोशिश करूँगा। नशा मुक्त बनाना ग्राम पंचायत का एक प्रथम मेरा प्रथम उद्देश्य ये है कि नशा मुक्त काम से पहले यदि बंदा स्ट्रांग होगा, ये नशा से दूर रहेगा तो बाकी सब ठीक है। नशा यदि शरीर में घुस जाता है युवा के तो उसका काम करना ही दिमाग बंद कर देता है, कम हो जाती है उसमें दिमाग करने ही, उसके मतलब दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं नशा से। तो पहला नशा मुद्दा रहेगा हमारे कि नशा से युवा को कैसे परे हटाएं। तो सरपंच साहब, बांसवाड़ा नगर ग्राम पंचायत स्तर पर अपने बात करते हैं स्वच्छता मिशन की, तो स्वच्छता मिशन के तहत ग्राम पंचायत बांसवाड़ा नगर के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वास्थ्य में बिल्कुल अभी नव पंचायत है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन पंचायत में है तो अभी हम प्रयास करेंगे कि हमारे मूलभूत सुविधा और चिकित्सा सुविधा हमारी यहाँ पर ही मैं व्यवस्था करा सकूँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। व्यवस्था करवाना प्रथम लक्ष्य? प्रथम लक्ष्य बिल्कुल। तो सरपंच साहब अपने बात करते हैं COVID-19 महामारी कोरोना जो पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में पैर पसार चुका है, इस पे आप बांसवाड़ा नगर की ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो भारत सरकार का राजस्थान सरकार का इसमें जो गाइडलाइन बनी है इसका मैं पूरा पालन करने की मैं अपील करता हूँ। मास्क है, सैनिटाइजर है, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। लोग इसमें थोड़ा हल्के में ले रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इसका हल्के में ना लेकर इसको सीरियस लेके और अपने जितना हो सके बचाव करना है। मतलब भारत सरकार राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पालना करो? बिल्कुल, उनकी राजस्थान सरकार और भारत सरकार गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करने की मैं अपील करता हूँ और मैं खुद भी इसमें अग्रसर रहता हूँ। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने आरपीडी न्यूज को समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ग्राम पधारे, आप दिल से धन्यवाद।